नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर संसार चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो ट्रैक्टर चल रहा है ये है कुबोटा 5502, 7 फिट के सुपर सीटर पे चल रहा है। और ये जो ट्रैक्टर है लगभग 1 ही साल इसको हुआ है। अभी मैंने इनके जो दूसरे भाई हैं उनसे पूछा था तो 1 साल के करीब अभी हुआ है। लगभग 400-500 घंटे चला है ट्रैक्टर और सुपर सीटर पर चला रहे हैं। लगभग काफ़ी सारे खेत ये बो चुके हैं और अभी जो ये खेत है ये जुता हुआ खेत है वैसे तो, लेकिन जो मिट्टी है वो काली है, आप देखोगे ना थोड़ी हार्ड मिट्टी है। तो एक बार देखते हैं पहले ट्रैक्टर कैसा चल रहा है, बाकी उसके बाद फिर कस्टमर का फीडबैक लेंगे। एक बार ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, डीजल की खपत के बारे में पूछेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ से तो थोड़ा सूखा था ये अभी, और यहाँ पे आप देखेंगे सुपर सीडर जो चल रहा है इसकी बुवाई। तो ये कुछ इस तरह की बुवाई आ रही है इसकी। थोड़ी बहुत घास घास है कहीं वहीं पे, बाकी वैसे जोता हुआ खेत है। तो एक बार कस्टमर से ट्रैक्टर रुकवा के फीडबैक लेते हैं ट्रैक्टर के बारे में, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में, डीजल खपत के बारे में। सुपर सीडर जो है BEW करके कंपनी है, कोई BEW का है। तो वैसे सफाई काफ़ी अच्छी आ रही है बुवाई में, जैसे यहाँ घास फूस है और उसके बावजूद भी साफ़ सफाई थोड़ी ठीक है। और आगे भी वेट इन्होंने रखा हुआ है लगभग 200 किलो के करीब, लगभग 200-250 किलो वेट आगे रखा हुआ है। उस हिसाब से फिर भी फ्रंट लिफ्टिंग ज़्यादा नहीं है ट्रैक्टर के अंदर, जैसे रिवर्स में भी लेके आते हैं या सुपर सीडर को उठाते हैं तो फ्रंट लिफ्टिंग भी उतनी ज़्यादा खास नहीं है। जैसा कि कई बार सुनने को मिलता है कि भाई है जो कुबोटा ट्रैक्टर है काफ़ी हल्का है, आगे से ज़्यादा उठता है, तो ऐसा कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी एक बार कस्टमर से पूछते हैं रुकवा के ट्रैक्टर। 2 मिनट बंद कर लो भाई साहब, बस 2 मिनट के लिए। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, एक बार नाम और गांव का नाम बताओ। मेरा नाम बलबीर सिंह रावत, गाँव असावटी, तहसील पलवल। ठीक है भाई साहब, ये जो मॉडल है आपको 02, कौन सा मॉडल ले रहा है भाई साहब? ये 2023 1 जनवरी को लाया था। कितने घंटे चल चुका ट्रैक्टर? ये 430 घंटा चला जी। 430 घंटे। तो सुपर सीडर पर डीजल की एवरेज कैसी आ रही है? सुपर सीडर पर डीजल की आ रही है 1 एकड़ में 5 लीटर की। 5 लीटर, तो मतलब ये तो अभी जुते हुए खेत है, झुंडी वगैरह को, तो 1-1 लीटर को फर्क आ जाएगा। 1-1 लीटर का आता है। अच्छा, ट्रैक्टर कैसा चल रहा है जी? ट्रैक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है। और परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत? परफॉर्मेंस आज तो कोई दिक्कत नहीं आती है, थोड़ी बहुत तो सभी में आते बुला आ जाते हैं कंपनी वाले। अच्छा, कंपनी का सपोर्ट कैसा है? बहुत बढ़िया रहा, मतलब कभी भी जरूरत पड़े तुरंत आ जाएगा। दूसरे दिन जैसे फोन करते हैं 1-1 घंटे का टाइम मिलता है, बाकी आ जाते हैं। तो इससे पहले और भी ट्रैक्टर चलाए होंगे आपने? कोई फार्म ट्रैक्टर 45 था। तो इसकी और उसकी परफॉर्मेंस में कैसा फर्क है? वो मेरे पे सिंगल क्लिच था इसलिए बदला, वो बढ़िया ट्रैक्टर था, फार्म ट्रैक ही बढ़िया ही, बहुत बढ़िया था। उसकी भी कंपनी का सपोर्ट पूरा था, मेरे 15 साल पूरा करके भीगा मैंने फार्म ट्रैक। तो इसकी कोई बढ़िया बात लगती हो आपको, सबसे अच्छी बात क्या लगा ट्रैक्टर की? एक तो साइलेंट, और दूसरे चलाने में बिल्कुल स्कॉर्पियो चला रहे साइलेंट के मामले में तो ये तो कुबोटा वाले खैर ठोक के कहते हैं कि भाई इससे साइलेंट ट्रैक्टर कोई नहीं है। बाकी जैसे कहीं कोई दिक्कत आई हो आज तक ट्रैक्टर में कोई? अभी तो मेरे पास 1 साल हो गया, अभी तो कोई दिक्कत आई नहीं। हाँ, मतलब 400-500 घंटे में तो पता ही लग जाए वैसे कोई दिक्कत आवे तो। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो कौन कौन से इम्प्लीमेंट पे चलाए करो वैसे यार? मेरे पास सुपर सीडर है, 18 के हैरो है। अच्छा, और 13 का कल्टीवेटर है। अच्छा, इस पर 18 की हैरो और 13 के कल्टीवेटर चलाए करो बगैर स्प्रिंग वाला। अच्छा, जो फिक्स वाला बोले करें जाते? हाँ जी। हाँ, तो तीनों इम्प्लीमेंट पे बढ़िया बढ़िया, ये सूखे उखाड़े थे, अच्छा गिले उखाड़ दिए मोटे मोटे इसमें। अच्छा, ट्रॉली पे चलाए करो? हाँ, ट्रॉली। ट्रॉली पे कैसी परफॉर्मेंस? कोई दिक्कत ही नहीं ना, जैसे कुछ लोग बोले ना कि भाई कुबोटा ट्रैक्टर हल्का हुआ है, ऐसा कुछ चक्कर है? ऐसा कुछ भी ना, मैं 125-150 मन गेहूँ नाच गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रोड पे भी सही है एवरेज? बढ़िया।
तो कुल मिलाकर ट्रैक्टर पे आप संतुष्ट हो? हाँ, फिलहाल की डेट में तो आगे आगे देखा जाए ना, फिर भी ये 400-500 घंटे में तो पता लग जाती है ट्रैक्टर की। सबसे मेन कंपनी की सपोर्ट कैसी है कैसी नहीं, वो चीज़ मेन डिपेंड करती है। अभी तो एजेंसी वाले, मैंने एक बार थोड़ी दिक्कत आई थी इसमें। अच्छा अच्छा, कतरा तो कंपनी वाले आगे थे दूसरे दिन। अच्छा, पूरी सपोर्ट दी। तो आपने पहले फार्म ट्रक चलाया तो उससे भी आप संतुष्ट है? कोई बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर रहा है। चलो जी, ठीक है। बाकी ट्रैक्टर की कंडीशन तो बढ़िया ही है, अभी तक कहीं भी कोई लीकेज वगैरह कुछ है ही नहीं? ना, अभी कोई लीकेज नहीं है। हाँ, 400 घंटे में सूखे में अच्छी तरह 18 फुल हैरो खोल के चलाया मैंने। अच्छा, अभी तक ना कोई लीकेज आई मेरे में तो। हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं आई। चलो बोले, तो 7 फुट का है ना सुपर सीडर भी? 8 फुट का। अच्छा सॉरी, हाँ मैं 7 फुट का समझ रहा था। 8 फुट का है। के एस है, BEW कंपनी का है ना? के एस का। अच्छा, के एस का ही मॉडल है कोई? हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा 8 फुट है, मैं इसको 7 फुट सोच रहा था। 8 फुट रोटा बेटा, ठीक है जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।